देखिए 2018 में हिमाचल में कुल करीब 780 सुसाइड हुए थे, 2019 में इसकी संख्या घटके 710 के करीब हो गई थी। इस साल जुलाई तक 466 सुसाइड हो गए हैं, पिछले साल की औसत 13.6 सुसाइड्स पर वीक है, इस साल की औसत 16.64 है, तो पिछले साल की औसत से ज़्यादा है। जनवरी में औसत 10 थी, फरवरी में 11.25 थी, मार्च में 8 थी, अप्रैल में 11.75 थी, मार्च में बढ़ के ये 22.25 हो गई है, जून में 28 हो गई है, जुलाई में 25.25 हो गई है। कुल मिला के 466 सुसाइड्स इस साल जुलाई तक हुए हैं, जो पिछले साल के तुलना में ज़्यादा हैं। क्योंकि ये नंबर थोड़ा बढ़ता जा रहा है, हमने राज्य सरकार को भी इसके बारे में लिखा है और राज्य सरकार इसका समाधान करने की कोशिश कर रही है। कोटू साहब, एक इसको हमने सॉल्व कर लिया है और 2 महीने के करीब कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने जो एक्चुअल एक्यूज्ड है, ये शादीलाल दिक्कू है, ये खरड़ के रहने वाले हैं, पहले इसी कंपनी में काम करते थे, फिर इसकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करने लगे हैं बिकॉज ऑफ जेलेसी, क्योंकि उनको उस कंपनी से नौकरी से निकाल दिया था, उन्होंने ये पत्र लिखा है, और वो सीनियर पोजीशन में उस कंपनी में थे, इसकी वजह से उस कंपनी के जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स थे इनके कब्जे में थे, जिसको यूज़ करके इन्होंने कई जगह भेजा, जिससे एक तरह का पैनिक टाइप क्रिएट हुआ। हमको ऐसी अभी कॉन्स्पिरेसी को देख रहे हैं, लेकिन लार्जली इसमें बिकॉज ऑफ जेलेसी, बिकॉज ऑफ रिवेंज ये लिखा गया है, और हमको बड़ी खुशी है, आज भी उनके घर पे हम तलाशी ले रहे हैं और जो एविडेंस है उनसे हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर मी टू कमेंट, मेरा काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन हम सही एंड पे ले आए, उसके लिए मैं CID को और SPCID को, DIG क्राइम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, देखो लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था, मार्च में औसत है 8 की, अप्रैल में लॉकडाउन था 11.75 थी, मई में बढ़ के ये सुसाइड्स 22.25 हुई है, ये कहना गलत है कि लॉकडाउन में पहले भी कम थी, जून में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 28 थी और जुलाई में 25.25 थी, तो ये जो औसत है ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी मई से है, लॉकडाउन तो मार्च से शुरू हो रहा है, और ऐसा नहीं है, अगर आप औसत देखोगे ये आज के दिन ये 2 सुसाइड पर डे होता था, आज के दिन में 3 के करीब, 3 या 4 के बीच में है। सर, यदि साइबर क्राइम के मामले सर पिछले साल की अपेक्षा अभी तक 7 महीने के अंदर ही जो है आंकड़ा ज़्यादा पार कर गया है सर, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर भी जो है जो ठगी जो गिरोह है वो लगातार सक्रिय है, इस पर क्या कहना चाहें? देखिए, ऐसा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपको आंकड़े देता हूँ अभी। साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमने देखा थेफ्ट और बर्गलरी ये कम होते जा रहे हैं। मैं आंकड़े देता हूँ आपको, 2018 में साइबर क्राइम के 80 FIR हुए थे, 2019 में 95 हुए थे, 2020 में अब तक 59 हो गए हैं। कंप्लेंट्स जो आ रही हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, 2018 में 980 थी, 2019 में 1638 थी, और 2020 में अब तक 1984 हो गई, हमने पिछले साल के कंप्लेंट का आंकड़ा पार कर लिया है। ये बात दुरुस्त है जो आप मुख्यमंत्री जी का ईमेल कह रहे हैं, इसमें हमने तुरंत कार्रवाई की, गूगल्स के साथ हम कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर था उनसे टच में थे, तो 40 ऐसे ईमेल थे जो नाइजीरियन गैंग्स भेज रहे थे, उन ईमेल्स को डिलीट किया गया है। लेकिन आप ये जानते हैं कि साइबर वर्ल्ड जो है, साइबर स्पेस है, इसमें कोई सीमाएँ नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, तो यहाँ से ठगी वहाँ, वहाँ से ठगी यहाँ कर रहे हैं। हमारा आज के दिन में एक साइबर पुलिस स्टेशन है, हमने सरकार को आग्रह किया क्योंकि इसका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आगे आने के युग में साइबर क्राइम नंबर 1 क्राइम होगा, इसमें हमको मदद की जाए और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हम खोलें। उसके अलावा 2 तरह के ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, एक तो इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो रहे हैं इसमें, और हर रोज़ हम कुछ ना कुछ पैसा लोगों का वापस दिलवा रहे हैं। हाल ही में चंबा और कांगड़ा में ऐसा केस हुआ था कि PNB के साथ फ्रॉड हुआ और जो 2 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ थे उसके उनका 50-50 लाख रुपए वहाँ से निकाल लिया गया। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी साइबर क्राइम स्पेस में बहुत बढ़ गया है, इसमें हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे मैंने बोला एवरी कंप्लेंट इज़ बीइंग लुक्ड इनटू, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि साइबर क्राइम साइबर स्पेस में ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे जो साइबर स्पेस है
इसमें तीन चार चीज़ें हैं। एक तो साइबर अवेयरनेस है, दूसरा है साइबर हाइजीन। हमने सरकार से भी बोला है कि इसमें हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइबर अवेयर लोग नहीं होंगे तो वो दे विल बी वल्नरेबल टू साइबर क्राइम। साइबर हाइजीन भी है कि आप किस साइट को देखो किसको नहीं देखो। आपको अगर आता है कि मेरे को आप OTP दो या बैंक का नंबर दो, तो ये एजुकेशन और हाइजीन की बात है। उसके अलावा हमको ये भी एजुकेट करना पड़ेगा, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको गलत ढंग में ले जाती हैं। वेबसाइट्स हैं, वाईफाइज हैं, इस पर हम बेसिकली जो प्रिवेंशन एस्पेक्ट है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सरकार को ये भी लिखा है कि जो साइबर क्राइम की लेबोरेटरी थी जो पुलिस के पास होनी चाहिए वो FSL में चलेगी, उसको वापस पुलिस में लाया जाए, क्योंकि ये रियल टाइम क्राइम है। ऐसा है कि क्राइम होता है फटाफट, एक आपको पता करना पड़ेगा कहाँ क्या है, उसको अगर वापस पुलिस में लाएंगे तो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, साइबर कंप्लेंट्स के इन्वेस्टिगेशन में हमको बहुत सहूलियत मिलेगी। लेकिन अगर ये ऐसा लंबा चलता रहे तो ये केसेस पाइलअप होते जाएंगे। आज के दिन में मैं बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है ये बहुत बड़ी चुनौती है।